A very happy Valentine's Day to you. इतना खूबसूरत दिन और इतना घटिया तोहफा। फूल कभी घटिया नहीं होते डार्लिंग। लेकिन सस्ते तो होते हैं। अरे लोग चांदनी के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं और तुम हो कि इन चार फूलों से मेरा दिल बहलाना चाहते हो। अरे तो हुक्म करो जाने मन, तुम कहो तो अपनी गर्दन कटवा दे। ना ना ना, गर्दन मत कटवाइए, सिर्फ इस गर्दन के लिए एक डायमंड का नेकलेस खरीद दीजिए। बस कम ऑन, अभी खरीद लेते हैं। ओ रियली? हेलो रवि। ओ हाय, हाउ आर यू? हु इज शी? कोई नई दीवानी है हमारी। ओह, मगर हम तो आप पे मर मिटे हैं। रियली? चलें। चलो रवि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सम टाइम लेटर। अरे रवि बात सुनो। हेलो पार्वती, क्या हुआ? उसे देखकर तुम्हारा चेहरा खिला हुआ था, अचानक वो चला गया, चेहरा मुरझा गया, ये चक्कर क्या है? यही रवि है जिसे मैं प्यार करती हूँ, मगर उस क्लब डांसर ने उसे अपनी अदाओं का दीवाना बना रखा है। ओ वाओ, क्लब डांसर, कहाँ पर वो अपने अदाओं की बिजली गिराती है? अरे मैं अपने लिए नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूँ यार। पिंजरा बार में। पिंजरा बार? हे चांदनी, चांदनी, why the hell you are here, huh? तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि शो खत्म होते ही ग्रीन रूम में चले जाया करो। हे यू, इस पे डोरे डालने की कोशिश बेकार है, ये मेरी महबूबा है और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। अरे मुबारक हो, ने मुंह भार रखो। अरे तेरे तो थोपड़े पे लिखा है कि तू नंबर 3 है। क्या मतलब? क्यों, तेरे को मैडम ने बताया नहीं कि इसके 4 बच्चे हैं, ना 2 पति है, ना तेरा नंबर तीसरा है? ओह माय गॉड। अरे ऐसी लड़की होती है ना, वो पब्लिक भूत की तरह होती है, कोई भी सिक्का डालकर 3 मिनट तो चौकस बात कर सकता है। जाती तो नहीं बोल रहा हूँ। ओह शट अप। अरे क्या यार, ऐसी लड़की के लिए तूने पार्वती जैसी लड़की का दिल तोड़ दिया। तुम ठीक कहते हो दोस्त, पार्वती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे माफ भी करेगी ना, शादी का रास्ता साफ भी करेगी। जरा तू है ने प्रेम से ने, जरा उसको सॉरी बोल देना। ओके। ए पार्वती, अरे क्या चल रहा है तू? मुझे माफ कर दो प्लीज। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुना नहीं? जाओ, माफ कर दिया, पार्क में जाओ ने गार्डन में जाओ अने एंजॉय करो। बट हैंडल विद केयर। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। इसका मामला तो सेट हो गया। अभी जो मर्दों से नफरत करती है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कर देंगे। हेलो, तमे केम छो? कैसी लग रही हूँ? बाउ फाइन, माइंड बॉगलिंग। आपको पता है पार्वती को उसका खोया हुआ प्यार मिल गया? बोले तो सेटिंग मैंने कराई थी। तो नहीं तो मेरे को ये बोलना है कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप किसकी बात कर रहे हैं? ए तू उधर किधर खड़ा, इधर आने। मेरा दोस्त है ना कन्हैया, आपको बहुत प्रेम करता है, मगर आप इससे इतना नफरत क्यों करते हो? आपको किसने कहा कि मैं इनसे नफरत करती हूँ? मैं तो आपसे भी नफरत करती हूँ। मैं सारी मर्द जात से नफरत करती हूँ। मगर ऐसा क्या बात हो गया कि आपने टोटल मर्द जात का लाइसेंस कैंसिल कर दिया? बोले तो किसी ने रैश ड्राइविंग कर दी क्या? मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, उसी कॉलेज में एक गुंडे का भाई भी पढ़ता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मगर मैंने उसके मुंह पे कस के एक तमाचा मार दिया और प्रिंसिपल से जाके शिकायत की कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। मगर उन्होंने उसको पनिश करने के बजाय मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि इस मामले को यहीं दबा दे वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। मैंने डैडी से आकर कहा कि वे उसको सजा दिलवाए, मगर डैडी ने कहा कि क्यों गुंडों के मुंह लगती हो, कॉलेज बदल दो। मैंने पुलिस से जाकर कहा कि वो उसको गिरफ्तार कर ले, मगर पुलिस ने कहा कि क्यों सांप के दुम पे पैर रखती हो, आज छेड़ा है, कल रेप कर देगा। किसी मर्द ने मेरी मदद नहीं की। बस उसी दिन से मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। अरे कमाल है, ये गुंडे के छेड़ने की सजा सारी मर्द बिरादरी भुगते। मुझे कसम है इन रेशमी बालों की, इन शरबती आंखों की, इन फौलादी बाहों की, उस लुक्खे को मार कर तुम्हारे कदमों में नहीं डाला तो मैं भी अपने रिश्तेदारों का सगा नहीं हूँ, समझी? जाऊँ क्या? जा ना। कहाँ? चल डायलॉग बोल दिया, जा ले। मैं हूँ। कल्लू तू ये करे? कौन आ बातू? अबे नाम सुनेगा तो जिंदगी भर कमर पे पतलून नहीं टिकेगी। अलकानवाड़ी का खड़े भाई का नाम सुना है? वही जयपन। क्या बकवास कर रहा सा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चल चलकर सरस्वती के पैरों पे गिरकर माफी मांग, कॉलेज में तूने उसकी बेइज्जती की थी ना? हाँ? ओह,
तो ये बात समझ में आई, सरस्वती ने थारे को भेजा है माफी मांगना है, ले माफी ले ले। क्या करता है यार, एक थप्पड़ से पूरे लिफाफे का एड्रेस बिगाड़ दिया। दिस इज टू मच मैन। पूरा क्या अंग्रेजी में गिटर बिटर कर रहा सा, तू मारे को नहीं जानता, मैं दादा हूँ, कर लो दादा। अरे तू दादा है तो भगवान करे कि तू नाना बन जा यार, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है यार। तू मारे को नहीं जानता, मारे छह कतल की और 36 रेप और पुलिस की हिम्मत ना हुई मारे को पकड़ ले। हाँ तेरे को देख के पुलिस की शक्ति का अंदाजा हो रहा है मेरे को। ओए इसको तो मैं अस्पताल पहुंचा दूंगा, तू बता थारे को कहां पहुंचाऊं, शमशान घाट। शमशान पहुंचाएगा तू मन्ने? शमशान पहुंचाएगा तू मन्ने? मैं तेरे गांव का हूं, शमशान पहुंचाएगा तू? कौन गांव का तू? गांव का तू? मार क्यों रहा है तू? अरे मैं नहीं मारूंगा, कौन मारेगा? मैं तेरा भाई हूँ यार। अरे भाई भाई बोल के मारे जा। अरे दुनिया की रीत है यार, भाई भाई बोल के मारा, तू मन नहीं मारेगा यार, मैं तेरा भाई हूँ यार। ओए कसम खा के बोल रहा हूँ, तेरे लड़ाओ मारे को कोई हाथ लगा। अरे यार मैं तन्ने को अगर बदमाश समझता तो सरस्वती तेरा आज तक इंतजार कर रही होती। हाँ वो बोलती है कि अगर मैं शादी करूंगी और शादी करूंगी तो बस कल उड़ान लेके करूंगी। ओए सरस्वती से मारी शादी बनाएगा तू? हाँ मैं बढ़ा के दूंगा, मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो कौन शहर वाले बढ़ाएंगे तेरे लिए? ओए तू मेरा भाई है भाई, तू मेरा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। तू बता तेरा को काम बजवाना हो तो पूरा शहर को तेरा पैरा मैं घेर दूंगा, बता कौन सा काम करना है? ज्यादा बड़ा काम नहीं है यार, मारे 10 लाख रुपए के अटके हुए हैं, 5 लाख तू रख ले, 5 मन्ने दिला दे। ओए मेरा भाई का पैसा कौन खा गया? ओए बता मेरे को कौन खा गया मेरा भाई? लगाता हूं, फोन लगाता हूं, यही नंबर है ना? हां ये बात कर। ओए कौन है? ओए तेरी दे उसको यार। ओ रामदादा कौन है तू? मेरे भाई का पैसा खाएगा तू? वो नीचे का जोर लगा के बोल रहा है। ओए कौन है तू? मेरे भाई का पैसा खाएगा तू? हां गाली दे, गाली दे उसको। ओए कुत्ते कमीने पैसे कब देगा? अबे उसको एड्रेस देके बुला लेना। और रुक जा, ओए कामाटीपुरा पता है बॉम्बे सेंट्रल है, वहां आके पूछ ले कल्लू दादा का अड्डा किधर है, बच्चा बच्चा बता देगा थारे को। वो ब्यूटी पार्लर के सामने वो लुगाइयों की हजामत की दुकान है। ओ ब्यूटी पार्लर है ना, लुगाइयों की हजामत की दुकान, उसके बाजू में आके पूछ लेना कल्लू दादा का अड्डा। निकल लूंगा तेरा बच्चा, निकल लूंगा औरतें उठा लूंगा, घर की तेरी घर की औरतें उठा लूंगा, मोहल्ला का मोहल्ला मोहल्ला उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लूंगा, पूरा शहर उठा लेगा, तेरा घर जला दूंगा, तुझे यतीम कर दूंगा मैं, मुझे यतीम कर देगा, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर देगा, खत्म कर दूंगा। अच्छा मुन्ना मैं आ गया तो आ जाओ इधर। ये कौन है? कमिश्नर साहब, इन्हीं को तो फोन लगाया था। तू भाई है कसाई है? बस आज तेरी धुलाई है। तू मेरी बीवी को उठवाएगा? ना जी। मेरे बच्चों को उठवाएगा? बिल्कुल नहीं जी। मेरे मोहल्ले को उठवाएगा? साहब जी मैंने आपका कुछ नहीं। अरे इनका नहीं बिगाड़ा तो क्या हो गया, शहर की दूसरी लड़कियों का तो बिगाड़ा है, उनसे कब माफी मांगेगा? एक कन्हैया लेकर आ सरस्वती को। क्यों यही है ना वो? अबे कर लो, चल पैरों पे गिर के माफी मांग, चल माफी मांग। ओ बहन जी मन्ने माफ कर दो। इस बहन से तो माफी मांग ली, अब बाकी बहनों से कमिश्नर साहब माफी मंगवाएंगे। चल कम ऑन यू बास्टर्ड, कम हियर। बड़ा अच्छा भाई, नहीं कर सका भाई हूं मैं, तेरा गांव का हूं। ए अरे क्या बोलती तू? अरे सुन ले, सुना आती के खंडाला जाता मैं खंडाला। हट हट, ए खुश रहो खुश रहो। मामा दबा के खा भी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है अब उनकी, इसलिए तो लाए ना वहां से। ए राजू अपने बंगले की टेरेस है ना, टेरेस उसपे मैं 8-10 टाकी लगाऊंगा। मामा टाकी एक लगती है पानी की, अबे वो टाकी के ढक्कन, मैं पानी की टाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दारू की टाकी की बात कर रहा हूँ। हर एक टाकी में अलग अलग दारू होगी, और सबके नल मेरे बेडरूम में। एक नल घुमाया विस्की, दूसरा नल घुमाया शैंपेन, तीसरा नल घुमाया रम। अरे बंद कर मामा बंद, पीपी के लीवर खराब हो जाएगा, नीट पीने लाइए। पकाओ पकाओ पकाओ, ख्याल ख्याल ही पकाओ और पकाओ। पानी की टंकी, दारू की टंकी, बंगले, एक पैसा मिलने वाला नहीं है। मालूम है ना सेठ जी ने क्या बोला है, जब तक चारों बेटियों की शादी नहीं होती एक पैसा किसी को नहीं।
तीन का हो गया बंदोबस्त, चौथी के लिए चौथा किधर से लाएगा? कमाल का, सॉरी कमाल का आइडिया आया मेरे पास, सॉरी है मेरे पास, वो राजू पटेल है ना, एयरपोर्ट, वो जिसका चिट्ठी फाड़ के फेंक दिया था उन लोगों ने, वो मुंबई का आया था, सेठ जी का दामाद तो बनने के लिए आया था, वो टिका डालेंगे उसको तेरी। अरे उसको तो पुलिस स्टेशन पहुंचाया तूने। अरे पुलिस स्टेशन ही, उसको तो मैंने सीधा पागल खाने छोड़ दिया, और पता नहीं किस लेवल का पागल हो गया होगा वो बेचारा। ये संसार बोले तो एक पागल खाना है, यहाँ हर एक प्राणी बोले तो पागल है, कोई दौलत के लिए पागल है तो कोई शौहरत के लिए पागल है, गरीब मुक्ति के लिए पागल है, बलवान शक्ति के लिए पागल है, संतरी बोले तो नोट के लिए पागल है, मंत्री बोले तो वोट के लिए पागल है, प्रभु 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 ये देश में बोले तो क्या हो रहा है, अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता था। मैंने इससे ज्यादा पढ़े लिखे और सुधरे हुए पागल पहले अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। आप उस भ्रम में मत रहना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक पागल है, 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ये खामोश रहने वाले पागल चीखने चिल्लाने वाले पागलों के बाप है बाप, और इन सबका बाप वो बैठा है जो भाषण दे रहा है। अच्छे नेता चले गए, हम बोलने के लिए रह गए, इंडिया वॉज ग्रेट। बच्चों अब हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सुना नहीं बाबा ध्यान कर रहे हैं? ध्यान चल रहा है, चुप। ये भाई तेरे को इसने समझाया तो समझ में नहीं आया क्या? मैं समझाऊं क्या हम लोग किस लेवल के पागल हैं? चुप कर, मेरे को तेरा लेवल मालूम है, ध्यान चल रहा है, चुप बैठ। बाबा ए बाबा ए तारी मैं नहीं, राजू पटेल मारी बात तो हामड़। हाँ बोल ले डिकरा, बोल डिकरा ना, तेरा बाप बोलो छो, पासपोर्ट लेने आमी छो, पासपोर्ट जो छे कि नहीं? पासपोर्ट मत, अरे कस्टम वाले बाबा, इससे पहले तेरा सिस्टम बिगड़ जाए तो मेरे साथ चल, इधर बहुत पॉलिश है। पहले ये तस्वीर देख, कौन छे ये, कैसी लड़की है? सारी छे, अच्छी है ना, अमेरिका ले ही नहीं जाए, शादी करी करी, उठी गया उठी गया, जल्दी चल डिकरा जल्दी। एक मिनट घाई मत कर, आओ हमारे चल ले। हमारे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा का सिर्फ शरीर जा रहा है, आत्मा वहाँ है। फिर आप कौन है? मैं, मुझे नहीं पहचाना आप लोगों ने, मैं यमदूत। बोलो पागल महाराज की जय, बोलो कस्टम वाले बाबा की जय। अगर तुम मेरी तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे शुक्र है, बुलाए चले तेरे, जाना हूँ तैयार छू। हाँ तो जाना फिर, मैं तुम्हारी तमाम जायज नाजायज अच्छी बुरी शर्तें मानने को तैयार हूँ, तू जैसा बोलेगी जैसा रखेगी मैं रहने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरे को अपने शरण में ले ले बहन। अरे बहन क्या बोल रहे हो? आप दोनों भाइयों की बहन मेरे तो होने वाली घर वाली है ना, वो क्या थोड़े दिन पागल खाने रहकर आया हूँ ना, थोड़ा तो असर पड़ेगा ना भाई। आई लव माय इंडिया, ये लो बेटे, आज से मैं अपना नसीब तुम्हारे हवाले करता हूँ, संभाल के रखना इसको। मैं कुछ समझा नहीं, आज तक मैं ये समझता था कि भगवान ने मुझे सिर्फ 4 बेटियां दी हैं, पर आज के बाद मैं फख्र से कह सकता हूं कि उसने मुझे 5 औलादें दी हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। बेटे और एक बात याद रखना, बाप के बाद बेटा ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालता है, आज के बाद ये बोझ मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूं। इस देवी को पाकर मेरी जिंदगी से हर तकलीफ हर परेशानी हर दुख दूर हो गया था, अब मेरी दुआ है कि ये तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। अंकल आपने मुझे अपना समझा, प्यार दिया, इज्जत दी, यही बहुत है मेरे लिए, मेरे कांधों में इतनी ताकत नहीं है कि आपके विश्वास का भार उठा सके। तुम 1,00,000 बहाने बनाओ, 1,000 दलीलें पेश करो, मगर मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से कतराने नहीं दूंगा। लेकिन अंकल मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं बहुत सोच समझ के फैसले किया करता हूं, और फैसला करने के बाद सोचा नहीं करता। आज के बाद इस घर का हर अच्छा बुरा तुम्हारे सर है। गॉड ब्लेस यू। क्या सोच रहे हो राजू? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि आज से पहले इतनी ज़्यादा इज्जत मुझे कभी मिली नहीं। ये जगह तुमने खुद कमाई है, पता है
डैडी को ये मूर्ति लक्ष्मी दीदी के जन्मदिन पर मिली थी और उस दिन से उनकी नसीब ने ऐसी करवट ली कि लक्ष्मी दीदी की डेट ऑफ बर्थ भी इसके नीचे लिखी है। डैडी ये तारीख को बहुत लकी समझते हैं। उनके सारे बैंक पेपर्स, क्रेडिट कार्ड्स, हर चीज़ पे ये नंबर लिखा है, यहाँ तक कि उनकी तिजोरी का नंबर भी यही है। एक बात कहूँ राजू, डैडी ने तुम्हें ये तोहफा देकर सचमुच अपना नसीब तुम्हारे हवाले किया है। यही तो गलती की उन्होंने, उनको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए मुझ पर। आखिर तुम लोग जानते क्या हो मेरे बारे में? हमें सब पता है, चोर हो तुम, खुली आंखों से सब कुछ लूट लेते हो और खबर तक नहीं पड़ती। जादूगर हो, दिलों पर कब्जा कर लेते हो और किसी को ये भी नहीं पता चलता कि उनकी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत हो गई। दुर्गा तुम समझी नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ लिया, जान लिया, तभी तो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया।